हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज वीकेंड का आखिरी दिन था, आप देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से चल रही है। ये चीज़ हम चार्ट पे भी डिस्कस करने वाले हैं, निफ्टी की मूवमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। निफ्टी क्या मंडे को अच्छा पैसा बन सकता है? बैंक साइड में मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी दोस्तों का, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को रेगुलरली देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं सर स्टॉक्स की तरफ। पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। कुछ लोग हैं जिनको मैंने कल बाय टुडे सेल टुमारो में भी टेक महिंद्रा दिया था, और आज के दिन अच्छी ये ब्लू कैंडल दी है उसने। ऑलमोस्ट जो पहला टारगेट था वो अचीव भी हुआ है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये एक हडल सी नज़र आती है जो 20 EMA है। अब वीडियो देखते हैं रेगुलरली तो हमेशा बोलता हूँ 20 EMA। अब 20 EMA क्या लाइन है, वो 1320 रुपये पे है। स्टॉक अभी 1290 पे ट्रेड कर रहा है, तो करीबन 2-3% का डिफरेंस है यहाँ पे। पहला टारगेट हमारा यही रहेगा 1320, उसके बाद 1360, फिर 1400 रुपये, 1470, 1570 लेवल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर रहा हूँ आपके लिए। लेवल्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोगों को अगर देखो मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। बाइंग कीजिए केवल अपने 50% कैपेसिटी के साथ। आपको कोई स्टॉक 1000 खरीदने हैं तो 1000 मत खरीदिए, उसको 500 खरीदिए सर, 50% क्वांटिटी बाय कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है सर फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट, कंपनी नेम इज फैक्ट। आज के दिन की कैंडल काफ़ी अच्छी थी, बट लास्ट मोमेंट पे डाउन भी गई है। क्लोज हुई है केवल अपने 20 EMA के ऊपर, 20 EMA और 50 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग आई है इसकी। जो वॉल्यूम है वो अच्छे वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम काफ़ी दिनों बाद आए हैं। स्टोकैस्टिक्स में आप देखेंगे ना, स्टॉक अभी बाइंग जोन के अंदर आ गया है। पहले ओवरसोल्ड जोन में था, बट अभी बाइंग जोन के अंदर है एट प्रेजेंट। MACD देखेंगे आप तो MACD अभी ब्लू लाइन ने इस रेड लाइन को टिक नहीं किया है, क्रॉस नहीं किया है, बट होपफुली अगर यहाँ से हम फर्स्ट टारगेट की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ भी हो जाएगी। स्टॉक अभी 129 पे ट्रेड कर रहा है, 125 ये स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर इन्वेस्ट हो सकते हो। स्टॉप लॉस जरूर रखना सर मार्केट में, छोटा स्टॉप लॉस रखिए, रिस्क टू रिवार्ड रेशो ऐसा रखिए कि 1:2, 1:3 अगर मिल रहा है तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छा है आप लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए। 135, 143 और 150 के टारगेट के साथ आप इसमें इन्वेस्टेड हो सकते हैं फर्दर। नेक्स्ट होगा सर HFCL। ये देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, डाउन गया था, यहाँ से उठना शुरू किया, फिर वापस यहीं पे आके सपोर्ट लिया है। लेट्स सी कि ये इसको सस्टेन करता है कि नहीं, इस लेवल को 3064 लेवल को सस्टेन करता है या नहीं करता है। MACD लग रहा है कि बैंक जोन में जाएगा, बट अभी गया नहीं है, कन्फर्मेशन हुआ नहीं है। MACD डाउन साइड में जा रहा है, बट जो कैंडल लग रही है कि अगर यहाँ पे ये कैंडल हमको देखना चाहिए, एटलीस्ट वेट करना चाहिए 71 रुपीज़ का, जो इसका 200 EMA लाइन है, 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग करता है ना तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। इसको अपनी वॉच लिस्ट में लिखिए, अगर ये 71 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें एंट्री ले सकते हैं हम लोग। 74 के बाद 80-85 के टारगेट के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं HFCL।
नेक्स्ट होगा सर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, गोकेक्स। पिछले 2-3 दिन से हम इसको, मैं देखो आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन से इसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। एक दिन ये रेड कैंडल आई थी बट क्लोजिंग नहीं हुई थी इसके नीचे, उसके बाद दोनों दिन अच्छी अच्छी कैंडल आई है। टारगेट 1 अचीव भी हुआ है, 480 का जो टारगेट था वो अचीव भी हुआ है। ट्रेंड दिखा रहा स्टॉक, तो 520 और 560 के टारगेट के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा सर सीएसबी बैंक लिमिटेड। मे बी आप लोगों में किसी, मतलब आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो, और हो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये स्टॉक अच्छा भी ना लगे, बट स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक लग रहा था तो हमने वीडियो के अंदर ऐड किया है। ये यहाँ पे इसका सपोर्ट जोन है, 200 का लेवल, 203 का लेवल इसका सपोर्ट जोन है। आज की कैंडल ने आप देखेंगे ना, ये देखिए कहाँ से, ये देखिए इस एरिया को सारे को कवर कर लिया है आज की कैंडल ने, 24 फरवरी से लेके अब तक की सबसे सारी कैंडल्स को कवर कर लिया एक ही कैंडल ने आज के दिन की। वॉल्यूम ने, वॉल्यूम पिछले कई महीनों से इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं आई थी। ठीक है जी, दो रीजन हो गए। स्टॉक आज ही 20 और 50 ईएमए के ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल हुआ, 100 ईएमए को टच भी किया इसने। एमएसीडी देखो इस पोजीशन में आ गया कि राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट टाइम ऑफ बाइंग, राइट टाइम ऑफ एंट्री के लेवल पे आ गया। स्टोकेस्टिक्स देखेंगे, बैंक जोन के अंदर चला गया स्टोकेस्टिक्स। तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो, बट फिलहाल छोटा व्यू रखें सर। हाँ शॉर्ट टर्म के अंदर अगर 100 क्वांटिटी है तो 70-75% आप सेल करें, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बने, 20% 25% को होल्ड कर सकते हैं थोड़े लंबे समय के लिए। 235, 250 और 265 इन टारगेट के साथ, इन टारगेट के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होगा सर वर्धमान टेक्सटाइल, VTL, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। आज देखेंगे स्टॉक में डाउन ट्रेंड के अंदर काफी अच्छी ग्रीन ब्लू कैंडल दी है डेली बेसिस पे, जो कल की कैंडल थी उसको कंप्लीटली ईट आउट कर लिया है, इसको बुलिश एनगफ बोलते हैं। जो वॉल्यूम की कैंडल है, वॉल्यूम वाला देखेंगे तो काफी दिनों से, मतलब पिछले 4-5 महीने के बाद ये ऐसा अच्छा वॉल्यूम आया है, अच्छी बाइंग आई है स्टॉक के अंदर। और आप एमएस स्टोकेस्टिक देखेंगे तो स्टॉक बाइंग जोन के अंदर आ गया है आज की कैंडल की वजह से ही, स्टॉक बाइंग जोन के अंदर आ गया। तो पहला टारगेट देखो, ये जो लाइन है ना, ब्लू लाइन 200 ईएमए, रेड लाइन 20 ईएमए, यही पहला टारगेट है सर। 225, 225 रुपये का, 220 से 225 रुपये का टारगेट। स्टॉक अभी 385 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस रखना है 460, 368 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट स्टॉक है सर, ये स्टॉक हमने इसलिए लिया है कि इसके अंदर अगर आप हैं तो स्टॉक की स्ट्रक्चर खराब हो गई है आज के अंदर, देखेंगे तो बहुत ज्यादा गैप डाउन था, ये निफ्टी से भी ज्यादा गैप डाउन था सर, 11% टूटा हुआ है स्टॉक आज ये VEDL वेदांता, वेदांता आज 11% के करीबन टूटा हुआ है। ये पूरे पूरे चांसेस हैं 353 को ब्रेक करके ये 340, और ये जो ये वाली सपोर्ट लाइन है 335 इधर जाएगा, तो इसको आप दूसरी स्ट्रेटजी से यूज किए, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं इसको यूज करने के लिए। नेक्स्ट होगा सर डीसीएम श्रीराम। देखो डीसीएम श्रीराम आप देखेंगे ना, चेक करेंगे पीछे से भी, तो ये देखिए यहाँ से भी इसको कर नहीं पाया ब्रेक, यहाँ पे फिर से इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ये यहाँ फिर से ब्रेक नहीं कर पाया, ये फिर वहीं से डाउन जा रहा है। आज क्या हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है और 20, 50, 100 ईएमए को ब्रेक कर दिया सर, एक ही दिन में तीनों चीज को ब्रेक कर दिया है। तो नेक्स्ट टारगेट 200 ईएमए सर अपना, 993 के आसपास। तो लेट्स सी कि अब देखेंगे स्टोकेस्टिक्स भी देखेंगे ना, ये एमएसीडी देखेंगे तो ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे चली गई है,
ये इसका देखेंगे डाउन ट्रेंड की, डाउन की तरफ दिख रहा है ये कि नीचे जाने वाली है कैंडल अब। तो ये इंडिकेशंस है सर कि आप अगर डीसीएम श्रीराम स्टॉक के अंदर है तो आप अपनी पोजीशन हटा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पहले ही हटा ली होगी आपने। और अभी सर बात करते हैं निफ्टी की कि हाउ निफ्टी इज डूइंग। ये निफ्टी 50 का चार्ट है सर। आज के दिन में डोजी कैंडल आई है सर, डोजी कैंडल बोलते हैं इसको। कितना ज़्यादा गैप डाउन हुआ है देखो, जो हमने लाइनें आपको याद होगी सर पिछले वीडियो में बात करते करते हमने ये लाइन लगाई थी कि यहाँ तक जा सकता है 14,500। आज क्या क्या हुआ है, ये जो दूसरी देखो ये ग्रीन लाइन थी इससे भी नीचे ओपनिंग हुई, और ये जो ये लाइनें सर पहले से ही लगी हुई हैं, मैंने इंस्टेंटली अभी तो नहीं लगाई। तो ये लाइनें आप देखेंगे ना तो ये वो लेवल्स है जहाँ पे जा सकती है निफ्टी। ये लाइन ये डोजी कैंडल थी तो लग रहा है कि कल एक बार नेक्स्ट वर्किंग डे में शायद इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हो, बट देखना पड़ेगा कि यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट कैसे क्लोजिंग दे रहे हैं। डाउन क्लोजिंग दे रहे हैं तो ये और भी नीचे जा सकती है। अभी बहुत लेवल बचे हुए हैं सर, अभी तो 16,400 है, 16,400 के बाद ये जो 16,200 का लेवल जो तोड़ेगी, 16,200 का लेवल तोड़ेगी निफ्टी, उसके बाद फिर 15,800 भी टूटना है, 15,600 भी टूटना है। तो देखते हैं सर कब तक, मतलब कितने समय में यहाँ तक पहुँचती है निफ्टी। लग रहा है यहाँ तक जाएगी, पर ये भी देखना है कि कितने समय में जाएगी। तो आज के वीडियो में सर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टॉक्स निफ्टी के चार्ट अच्छे लगे होंगे, डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो में प्लीज़ सर कमेंट जरूर कीजिए सर कि आपको ये स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं। और सर कल सैटरडे है तो आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स सभी लोग एक एक दो दो स्टॉक्स शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा सैटरडे संडे को दो वीडियो, अलग अलग तीन वीडियो।